अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी मुर्गियों के लिए कैल्शियम के मुख्तलिफ ज़राए पे बात होगी। मुर्गियों के अंडों की पैदावार बढ़ानी हो, अंडों का साइज बढ़ाना हो, अंडों के कमज़ोर छिलके को मजबूत करना हो और मुर्गियों के ढांचे को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के मुख्तलिफ ज़राए के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मुर्गियां कच्चे अंडे यानी कि छिलकों के बगैर अंडे दे रही हों या मुर्गियां अंडे खाने जैसी बुरी आदत में मुबतला हों तो इन तमाम मसलों का हल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुर्गियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपके पास कैल्शियम का कोई ना कोई जरिया लाजमी मौजूद होना चाहिए। इन तमाम मसाइल का ताल्लुक जो कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं कैल्शियम की कमी के साथ होता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कैल्शियम के सस्ते तरीन जराए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी मुर्गियों में कैल्शियम की कमी को कुदरती जराए से पूरा करना चाहें तो इस मकसद के लिए आप मोरिंगा के यानी कि सुहांजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि विटामिन सी और पोटाशियम का भी एक बेहतरीन जरिया होता है। इसे आप फीड सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुर्गियों के मदाफती निज़ाम में मजबूती लाने के लिए भी मोरिंगा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोरिंगा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप मुर्गियों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इसका रस निकाल कर पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताज़ा पत्ते मुर्गियों को खिला के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसका पाउडर बना के खुराक में शामिल करके भी मुर्गियों को खिला सकते हैं। अगर आप पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें तो इसकी डोज जो है वो 5 cc एक लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 5 cc मोरिंगा का रस और 1 लीटर पानी। अगर ताज़ा पत्ते आपने मुर्गियों को खिलाने हों तो 20 मिनट के लिए मोरिंगा के ताज़ा पत्ते मुर्गियों को खिलाएंगे और अगर आप मोरिंगा का पाउडर खुराक में इस्तेमाल करना चाहें तो 10 ग्राम मोरिंगा का पाउडर 1 किलो खुराक में शामिल करके मुर्गियों को खाने के लिए दें। अगर मुर्गियों को जल्दी अमराज हो जाए, मैदा खराब होने लगे या जिसम में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन होने लगे, अंडों के छिलके कमजोर होने लगे, अंडों की पैदावार बढ़ानी हो तो इन तमाम मकासद के लिए अगर आप मुर्गियों को मोरिंगा इस्तेमाल करवाएं तो इसके बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करवाने से भी है जो बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। अंडों के छिलके कैल्शियम का बेहतरीन जरिया होते हैं और अगर आपने घर में चंद मुर्गियां रखी हुई हैं तो कोशिश किया करें कि इन्हीं मुर्गियों के अंडों के छिलके जो हैं वो इकट्ठे करके मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएं। अगर आप बाहर से लेकर छिलके इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उन मुर्गियों के छिलके अंडों के लें जो कि जिनको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो और ना ही किसी किस्म का कोई वायरस का हमला हुआ हो। छिलके इस्तेमाल करवाने से पहले आप छिलकों को अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करवाएं। अगर आप गंदे छिलके इस्तेमाल करवाएंगे तो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस मुर्गियों के अंदर जाके मुर्गियों की सेहत को खराब करेंगे। अंडों के छिलकों का तरीका इस्तेमाल जो है वो गौर से समझिएगा। छिलकों को अच्छी तरह धोने और खुश करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लें। स्क्रीन पे साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। छिलकों के टुकड़े इस साइज के होने चाहिए जो मुर्गियां आसानी से खा लें। आप इनको ग्राइंड करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने ऐसी मुर्गियों के अंडों के छिलके बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाने जिनपे माजी में किसी किस्म का वायरस का हमला हुआ हो या ऐसे अंडों के छिलके जिनको काफी अरसा के लिए स्टोर किया गया हो। इस तरह के छिलके मुर्गियों की सेहत पर बहुत बुरे असरात डालते हैं। ऐसी मुर्गियां जिनकी उम्र जो है वो 18 हफ्ते हो जो अंडे देती हों, ऐसी मुर्गियों को रोजाना 4 से 5 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मुतवाजन खुराक के साथ जो है वो आप इसके अलावा बहुत से जराए हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। इन जराए में कैल्शियम टैबलेट शामिल हैं, इंटिक डी सिरप, ब्रेड, कैल्शियम पी सिरप वगैरह शामिल होते हैं। अगर आप कैल्शियम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए प्लास्टिक के बर्तन में इतना पानी भरें जो कि मुर्गियां जो हैं वो 8 घंटे के अंदर पी लें। अगर आपकी मुर्गियां 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीती हैं तो 1 लीटर पानी में 1 कैल्शियम की टैबलेट जो है वो शामिल करके मुर्गियों को पीने के लिए दें। अगर आपकी मुर्गियों को जो पानी है वो 8 घंटों में इससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इस हिसाब से आप टैबलेट की जो है वो डोज कैलकुलेट करके इस्तेमाल करवाएंगे और मुर्गियों को पीने के लिए देंगे। ये टैबलेट आपने लगातार इसी तरतीब से 5 दिनों तक इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप कैल्शियम पी सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप में कैल्शियम के अलावा विटामिन डी भी शामिल होता है जो कि मुर्गियों की हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। विटामिन डी जो है वो आप मुर्गियों को सूरज की रोशनी से भी फराहम करवा सकते हैं। आप मुर्गियों को मुर्गे खाना से बाहर निकाल के खुली जगह पर जो है वो कुछ देर छोड़ा करें ताकि सूरज की रोशनी से मुर्गियां विटामिन डी हासिल कर सकें। कैल्शियम की जो है वो डोज भी आपके साथ शेयर करता चलूं। कैल्शियम पी की
पहले दो दिन आपने जो है वो कैल्शियम पी, 2 cc कैल्शियम पी, 1 लीटर साफ पानी में शामिल करके 8 घंटों के लिए मुर्गियों को पीने के लिए देना है, और अगले 2 दिन के लिए 1 लीटर पानी में 1 cc कैल्शियम पी शामिल करना है। कैल्शियम पी लगातार 4 दिनों के लिए मुर्गियों को इस्तेमाल करवाने से मुर्गियों में कैल्शियम की कमी को जो है वो दूर किया जा सकता है। जब मुर्गियों में कैल्शियम की कमी पूरी होने लगती है तो अंडों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाती है। कैल्शियम का अंडों की पैदावार से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। मुर्गियां जब भी कच्चे अंडे यानी कि कमजोर या बगैर छिलके के अंडे देने लगे तो इनकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी, छोटी उम्र की मुर्गियों का जल्दी बालग होकर अंडे देने लग जाना, या ऐसी मुर्गियां जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो यानी मुर्गियां बूढ़ी हो चुकी हों, या ऐसी खुराक इस्तेमाल करवाना जिसमें जो है वो ताकत यानी कि प्रोटीन की मकदार ठीक ना हो। इन तमाम वजूहत की वजह से मुर्गियां कच्चे अंडे देने लगती हैं, जिनको फौरन ठीक करके मुर्गियों को तनाव या स्ट्रेस से बाहर निकालें ताकि मुर्गियां मजबूत छिलकों वाले अंडे दें और आपके लिए नुकसान का जो है वो बाइस ना बने। बाजुकात मुर्गियां अपने या बाकी मुर्गियों के अंडे खाने जैसी बुरी आदत में मुब्तला हो जाती हैं। इस बुरी आदत को जो है वो सबसे बड़ी वजह जो होती है इसकी वो खुराक में गजाइत की कमी और कैल्शियम की कमी होती है। इन मुर्गियों को कैल्शियम का कोई ना कोई जो है वो जरिया फराहम करके अंडे खाने जैसी बुरी आदत से हटाया जा सकता है। इस मकसद के लिए जो है वो आप दही, कैल्शियम टैबलेट या मुख्तलिफ कैल्शियम सिरप जो बाजार से आसानी से मिल जाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मुर्गियों को कैल्शियम फराहम करके बहुत जो है वो बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सकता है, और कैल्शियम की फराहमी से मुर्गियों की पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मुर्गियों की जो अंडों की तादाद है उसको बढ़ाया जा सकता है। मुर्गियों को ग्रिट इस्तेमाल करवाने के भी बहुत से फायदे हैं। मुर्गियों की तादाद के हिसाब से ग्रिट अपने पास लाजमी दस्तियाब रखा करें। ग्रिट को जो है वो कैल्शियम की कमी पूरा करने और हाजमा को बेहतरीन रखने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ग्रिट इस्तेमाल करवाने से मुर्गियों में कच्ची बीठों का मसला भी जो है वो बिल्कुल नहीं आता, और अगर मुर्गियां बिठे कर रही हो तो इसका मतलब होता है कि मुर्गियों का हाजमा खराब है। तो इस सूरत में आप मुर्गियों को ग्रिट इस्तेमाल करवा के उनका हाजमा जो है वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो ग्रिट मुर्गियों के डाइजेशन को बेहतर करने में बहुत मदद करती है। अगर आपको करीबी हार्डवेयर स्टोर या वेटनरी स्टोर से ग्रिट ना मिले तो आप रेत या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को भी जो है वो ग्रिट के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। ग्रिट के इस्तेमाल से हड्डियां भी मजबूत होती हैं, और ग्रिट की सूरत में जो है वो कैल्शियम का एक जो ग्रिट है वो कैल्शियम का एक बेहतरीन जो है वो सस्ता तरीन जरिया होता है। ग्रिट के इस्तेमाल से अंडों के छिलकों में मजबूती और हाजमा को मजबूत रखा जा सकता है। मुर्गियों को कैल्शियम फराहम करने के लिए धनिया का इस्तेमाल जो है वो भी बेहतरीन नतीजे देता है। ताज़ा धनिया मुर्गियों के लिए गजाइत से भरपूर और कैल्शियम की फराहमी का सस्ता तरीन जरिया होता है। इसके इस्तेमाल से मुर्गियों में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। धनिया में मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें वाइटामिन ए जो कि मुर्गियों की आंखों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, वाइटामिन सी जो कि मुर्गियों को हीट स्ट्रेस से बचाता है, वाइटामिन ई जो कि हड्डियों को मजबूत करने के अलावा फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है, और इनके अलावा वाइटामिन के धनिया में मौजूद होते हैं। ये तमाम वाइटामिन्स जो कि धनिया में मौजूद होते हैं ये तमाम मुर्गियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कैल्शियम, जिंक और आयरन भी धनिया में वाफर मकदार में मौजूद होते हैं, जो कि मुर्गियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए अपनी मुर्गियों को धनिया लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। इन तमाम चीजों के अलावा जो है वो जो वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप इंटेक डी सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से कम कीमत में ये सिरप आसानी से दस्तियाब होता है। इसकी डोज जो है वो आपने पहले 2 दिन के लिए 3 cc इंटेक डी सिरप 1 लीटर पानी में शामिल करके मुर्गियों को इस्तेमाल करवाना है, और अगले 3 दिन 2 cc 1 लीटर पानी में शामिल करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। इस सिरप के इस्तेमाल से भी मुर्गियों में जो है वो कैल्शियम की कमी को जो है वो बखूबी पूरा किया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो जी मुर्गियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुर्गमानी के पेशे से मुंसलिक हैं और आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं जी किसी ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।